हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल डीएमडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन को कैसे अनहैक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन में मेलवेयर आ जाता है या फिर वायरस आ जाता है जो आपके मोबाइल फोन से डेटा को चुराता है और दोस्तों आपको पता तक नहीं चलता। तो दोस्तों आप लोग ये पता भी कर सकते हो कि आपके मोबाइल फोन में कोई वायरस है या फिर मेलवेयर है, अगर है तो आप लोग अपने मोबाइल फोन को बहुत ही आसानी से अनहैक भी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों को फॉलो करके आप लोग अपने मोबाइल फोन को अनहैक कर सकते हो। दोस्तों अगर पहला तरीका वर्क नहीं करता है तो जो दूसरा तरीका है वो तो 100% वर्क करेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं अपने एक सब्सक्राइबर्स के द्वारा जो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या फिर टॉपिक हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। दोस्तों बात करते हैं पहले तरीके के बारे में। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में कोई वायरस आ जाता है या फिर स्पाई आ जाता है तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हो कि आपके मोबाइल फोन में वो वायरस है या फिर स्पाई है और वो कहां पे छिपा हुआ है। दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक ऐप्स इंस्टॉल करना है का नाम है एप्लीकेशन अनइंस्टॉलर, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो वायरस होता है वो आपके मोबाइल फोन में दिखाई नहीं देता है, किसी एप्स के रूप में होता है लेकिन वो हाइड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन अनइंस्टॉलर नाम का कोई भी एप्स इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों वो वायरस होगा या फिर स्पाई होगा या फिर मालवेयर होगा वो बहुत ही आसानी से आपके जो एप्स हैं उनमें दिखाई दे जाएगा और वहां पे ये शो करेगा कि ये जो एप्स है आपके मोबाइल फोन में पड़ा हुआ है और सारी परमिशन लिए हुए है। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो और आप लोग अपने मोबाइल फोन का जो डेटा है उसको सिक्योर कर सकते हो और हैक होने से बचा सकते हो, यानी कि अगर हैक भी हो गया है तब भी आप लोग अपने मोबाइल फोन को अनहैक कर सकते हो। दोस्तों अगर दूसरे तरीके की बात करें तो जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही नॉर्मल है, मोस्टली लोगों को पता है। दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फोन को सिंपली से हार्ड रिसेट कर दीजिए। अगर आपको हार्ड रिसेट करना नहीं आता है तो वो भी जान लीजिए। दोस्तों आजकल जो मोबाइल फोन आ रहे हैं उनमें होम का बटन नहीं आता है, तो दोस्तों सिंपली से अगर आप लोग एमआई का मोबाइल फोन यूज करते हो या फिर सैमसंग का मोबाइल फोन यूज करते हो तो दोस्तों आप लोगों को पावर ऑन ऑफ बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, उसके बाद वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट का जो ऑप्शन है उस पर चले जाना और बहुत ही आसानी से आपको पूरा डेटा इरेज कर देना। लेकिन दोस्तों इसमें आपका जो डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो तो सबसे पहले उसका बैकअप ले लेना, नहीं तो आप लोग मुझसे कहोगे कि मेरा जो डेटा है वो चला गया। तो दोस्तों पहले आप लोग अपने जो डेटा है उसका बैकअप ले लेना, कॉन्टैक्ट का बैकअप ले लेना या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो तो उसका भी बैकअप ले लेना, उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल फोन को हार्ड रिसेट कर सकते हो। दोस्तों ये जो तरीके दो मैंने बताए हैं इन दोनों तरीके से आप लोग अपने मोबाइल फोन को अनहैक कर सकते तो और बहुत ही यूजफुल तरीके हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी टॉपिक हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।